Explain the process in which a biocatalyst is used in industrial preparation of a compound known to you. बायोकैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ही होता है ये भी, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज होता है. जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो उनको जो कैटलाइज करे उसको बायोकैटलिस्ट कहते हैं. एंजाइम्स मेनली बायोकैटलिस्ट होते हैं. तो क्या है देखो, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन. इथेनॉल C2H5OH, ये कमर्शियली कैसे बनाते हैं? फर्मेंटेशन से. फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं सिंपलर पार्ट्स में. मेनली वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और एयर की एब्सेंस में होता है ये प्रोसेस. तो फर्मेंटेशन, शुगर की फर्मेंटेशन से एल्कोहल बनता है. शुगर कहाँ से आती है? द शुगर इन मोलासेस. मोलासेस क्या होता है? देखो, गन्ने का जूस है. जो गन्ने को पहले तो उसका जूस निकाल लेते हैं, जूस को बॉयल करते हैं, फिर वहां से शुगर के क्रिस्टल्स अलग कर लेते हैं. जो बच जाता है लिक्विड, थिक डार्क डार्क ब्राउनिश लिक्विड होता है, बच जाता है, उसको मोलासेस कहते हैं. शुगर केन या फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, तो इनकी फर्मेंटेशन से उनको ग्लूकोस और फ्रक्टोस में कन्वर्ट कर लेते हैं. ग्लूकोस और फ्रक्टोस दोनों का ही फॉर्मूला C6H12O6 है. ये आइसोमर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. एंजाइम क्या है? बायो कैटलिस्ट, जिसका नाम है इन्वर्टेज. आप याद रखना नाम इन्वर्टेज. ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस अंडरगो फर्मेंटेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनदर एंजाइम जाइमेस विच इज फाउंड इन ईस्ट. तो जाइमेस ये रिएक्शंस हैं. दो सुक्रोस C12H22O11 शुगर में है, ये शुगर है. ये इसका जब आपने हाइड्रोलिसिस किया इन्वर्टेस की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया? ग्लूकोस और फ्रक्टोस. तो ग्लूकोस और फ्रक्टोस को जाइमेस की प्रेजेंस में अल्कोहल और CO2 में बदल जाता है. तो नाम याद रखना, इन्वर्टेस और जाइमेस. इस रिएक्शन को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर नेम द एंजाइम एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रेपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुक्रोस बाय फर्मेंटेशन. तो इथेनॉल बनानी है सुक्रोस से, फर्मेंटेशन से कौन सा एंजाइम यूज होता है और कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड कमर्शली बाय फर्मेंटेशन. द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर्स. कोई रिपीट हो रहा है, इसका आंसर रिपीट होगा. शुगर जो मोलासिस में होता है, शुगर केन में होता है, सारा रिपीट हो रहा है, सेम आंसर आएगा. इन्वर्टेज जो होता है सुक्रोज को ग्लूकोस और फ्रक्टोस में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकोस और फ्रक्टोस फिर जाइमेज उसको इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट कर देता है.